हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए सिलेबस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का नहीं पता होगा, तब तक हमारी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या पोर्शन आता है, तो कितना समय आपके पास है और उस हिसाब से आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए। इस वजह से आप क्या करें कि ये सिलेबस जो मैं आप तक आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है ये, या जैसे कुछ लोग नए हैं तो उनको सिलेबस नहीं पता है, तो आप क्या करें कि इस सिलेबस को नोट कर लें और अपनी स्टडी टेबल, जहाँ पढ़ते हैं अपने स्टडी रूम में, अपनी दीवार पर आप चिपका के रखें अपनी आँखों के सामने। जब तक आपका एग्ज़ाम है तो उसे आपको ये रहेगा कि आपको आपकी आँखों के सामने आप देखते रहेंगे कि कितना पोर्शन अभी आपको तैयार करना है, आपके पास कितना समय है। तो इस वजह से आप इसे नोट जरूर कर लें, ठीक है? थोड़ा सा है, एक पेज का ही है, यहाँ तक है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले ये प्री का एग्ज़ाम पेपर है, इसमें दो पेपर होते हैं प्री में। पहला क्वेश्चन पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, सामान्य अध्ययन का। उसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है ये। इसमें चूंकि केवल समीक्षा अधिकारी लिखा है, लेकिन समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब ARO, सम्मिलित पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है? सेकेंड पेपर हिंदी का होगा, वो हम नीचे देखते हैं उसमें उसका क्या सिलेबस है। तो पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको सामान्य विज्ञान पढ़नी है। सामान्य विज्ञान चाहें तो आप NCERT के नोट्स अगर बना सकें, 6 से लेकर 12 तक की जो साइंस का नोट्स है वो, और नहीं तो मैं आगे साइंस का नोट्स बना भी रहा हूँ, आप तक पहुँचा देंगे। और बाकी चाहें आप लूसेंट से तैयार कर लें या घटना चक्र से तैयार कर लें साइंस के, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन अच्छी मात्रा में लगभग पूछ लिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं समीक्षा अधिकारी में, 20 के अराउंड, आप थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कम ज़्यादा, लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सामान्य विज्ञान से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद भारत का इतिहास, भारत का इतिहास में चूँकि जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये इतिहास का ही पोर्शन है यहाँ पे जो दिया गया, तो ये बहुत अच्छे से तरीके से तैयार कर लें। सबसे ज़्यादा आप आधुनिक भारत का इतिहास, मैंने बुक्स बता रखी हैं, आप हिस्ट्री की बुक्स आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो वो बुक्स तैयार कर लें। सबसे ज़्यादा आप टाइम दें आधुनिक भारत का इतिहास से, क्योंकि इतिहास से लगभग 20-25 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 प्रश्न, तो उनमें से लगभग 15 क्वेश्चन तो आपको आधुनिक भारत के होंगे, और उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन। इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके जो अधिवेशन हुए वो पूछ लिए जाते हैं, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है? इस तरीके से बहुत से, सुभाष चंद्र बोस किस किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है आप उनको नोट कर लें, ठीक है? और बार बार रोज़ देखते रहें, हमारे मतलब सामने और कोई विकल्प नहीं है, आप उनको एक बार में पढ़ के नहीं याद कर सकते, आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा समझ समझ के, ठीक है? तो सारे अधिवेशन आप देख लें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी प्रमुख व्यक्तित्व थे, उन्होंने उनके क्रांतिकारियों के आप किस किस उसमें उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, वो सब आप याद रखें किस सन में, तो ये सारे फैक्ट्स आप तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसके शॉर्ट नोट्स जितना कम से कम हो सकता है वो मैंने अपलोड NCERT मैंने कर दी है, उसके लिए वीडियोज़ बना के, तो आप NCERT के वो देख सकते हैं, उतना काफ़ी है। और उसके अलावा आप लूसेंट से तैयार कर लें मध्यकालीन भारत का इतिहास, बहुत थोड़ा सा पूछा जाता है, ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, तो आप कम से कम तैयार करें वो। सबसे ज़्यादा आप आधुनिक भारत का इतिहास तैयार करें, उससे कम प्राचीन भारत का इतिहास तैयार कर लें, कम समय, उससे कम समय दें, उसके लिए भी मैंने NCERT के नोट्स बना के आप तक पहुँचा दिए हैं, आगे भी कंटिन्यू मैं बना रहा हूँ। और जो बुक्स मैंने बताई हैं आप वो उन बुक्स को तैयार कर लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है? ओके, इसके बाद है भारतीय राजतंत्र, मतलब इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भारतीय राजव्यवस्था लिखा होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, आप पढ़ लें, या अगर कोई दूसरी बुक अच्छी आपके पास है तो आप वो पढ़ लें। उसके अलावा चाहे आप घटना चक्र से रिवीजन कर सकते हैं, तो इतना बहुत है, एक बुक पर्याप्त है पॉलिटी के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी से भी पॉलिटी से लगभग 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 15 क्वेश्चन, कभी कभी ज़्यादा 20 तक पूछ लेते हैं, कभी 10-12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अर्थव्यवस्था से भी लगभग 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, ये सब मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार, ठीक है? तो ये दोनों पोर्शन मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन योजनाओं पर आधारित होते हैं, ठीक है? कि स्वच्छ भारत मिशन
कब इसकी शुरुआत कब हुई, मनरेगा की शुरुआत किस सन में हुई थी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखते रहें पुराने। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, अब तो चूंकि योजना आयोग हटाकर वहाँ पर नीति आयोग कर दिया गया है, तो इस वजह से शायद ही क्वेश्चन पूछे जाएं योजनाओं पर, पंचवर्षीय योजनाओं पर, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सारे, उनको ही आप लिस्ट एक बना लें, उनको आप देखते रहें किस संगठन की स्थापना कहाँ हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप देखते रहें। और कल्चर, कल्चर पर क्वेश्चन चूँकि हिस्ट्री में ही तैयार हो जाएगा हमारा, जो एंशियंट से लेकर कल्चर का अर्थ ये नहीं सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास, कल्चर तो प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन से लेकर आधुनिक भारत तक, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन उनमें होते चले जा रहे हैं, तो ये तो पूरे इतिहास में हमारा कवर होता रहेगा। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी बहुत सारे कल्चर के नोट्स आपने देखे होंगे एनसीईआरटी की वीडियोज़ में हमारे, तो वो सब तैयार कर लें। इसके बाद है जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण इसकी एक बुक आती है वाणी की, आप वो तैयार कर लें, वो पर्याप्त रहेगी। जनसंख्या के हमने पिछले वाला एक वीडियो आप देखिए पीछे, उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ था आर ओ ए आर ओ का, वो मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि पिछला पेपर कैसा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि अगला पेपर कैसा होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, आयोग बनाता है, तो पुराना क्वेश्चन पेपर होता है तो उससे थोड़ा आइडिया जरूर लेता है जो कोई भी पेपर बनाएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आप पुराना पेपर देख लें अगर आपके पास हो, नहीं तो है तो आप वीडियोस में जाके देख लें, मैंने पूरा पेपर अपलोड कर रखा है, हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पर। तो उसमें हमने देखा था कि जनसंख्या से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 10-15 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए थे, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 10, ठीक है। तो जनसंख्या आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें, लेकिन मैं हो सका तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। और जनसंख्या में नगरीकरण और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके लिए एक वाणी की बुक आती है वो तैयार कर लें, और घटना चक्र से तैयार कर लें, तो पर्यावरण के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। पर्यावरण से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से होंगे आपको, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल, लगभग 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्योग्राफी चूंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारा बहुत, जिसका बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाता है, अगर आप एनसीईआरटी से तैयार कर रहे हो तो एनसीईआरटी में, चूंकि अगर आप भूगोल 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप तैयार कर लेंगे तो आपकी ज्योग्राफी तो तैयार हो ही जाएगी, साथ साथ आपकी जो है भारतीय कृषि, कृषि में कभी कभी फसलों के बारे में पूछ लेते हैं, खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है, खरीफ जायद की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, कौन सी फसल में कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, उनकी वेराइटीज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सब हमारे ज्योग्राफी में ही तैयार हो जाते हैं। तो अगर एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के, खासकर ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से नोट्स बना सकें तो वो सही है, नहीं तो आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने अपने खुद के नोट्स अपलोड किए हैं, आप उनसे भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो इसमें से लगभग 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये लगभग इक्वली आधा आधा पोर्शन होगा इनका, ऐसे आप तैयार कर लें। और जो मैंने बताया था आपको 11th की जो भारत का भौतिक पर्यावरण, ये वाली एनसीईआरटी 11th की है, उसके मैं वीडियोस भी अपलोड मैंने कर दिए हैं, मतलब कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी आप खुद से तैयार करें, बार बार पढ़ें, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ में और दूसरी बुक्स जो मैंने बता रखी हैं आप वो पढ़ लें, तो उतना पर्याप्त होगा। चूँकि अभी काफ़ी समय है आपके पास, लगभग जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने हैं, क्योंकि 8 अप्रैल 2018 को पेपर है, तो आपके पास काफ़ी समय है, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स इन दो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं सही है, करंट अफेयर्स में ही मेरिट मतलब डिसाइड हो जाती है, जिसका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार है। जीएस तो लगभग सबका एक जैसा होता है, लेकिन करंट अफेयर्स में कम ज़्यादा हो जाता है, करंट अफेयर्स जिसने 5 क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए सही से, तो क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ होती है, बहुत से लोग इसको तैयार इग्नोर कर देते हैं, नहीं तैयार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयार करने की चीज़ यही होती है, ठीक है। अगर आपके, अगर 30 क्वेश्चन पूछे गए या 25 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें 20 या 25 सही हो गए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लें, मंथली वाइज तैयार कर रहे हैं आप। लोग करते क्या है कि लास्ट में जो एक मैगजीन आती है बस उसी से तैयार कर लेते हैं 1 साल का, इससे तैयारी आप उनसे उनसे कैसे कंपटीशन करेंगे जो हर महीने तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मंथली तैयार करें, और लास्ट में जो एक मैगजीन आएगी वो तो आप फिर बाद में लेकर रिवाइज कर ही डालें, तो ये बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है।
इसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी करीब पूछ लेते हैं, रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स मिला के लगभग 20 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं, जैसे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग केवल इसी वजह से तैयारी छोड़ देते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। तो अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे गए तो उनकी वजह से आपके सामने 135 क्वेश्चन और होंगे, आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है। 140 में अगर आप कोशिश करिए 100 तक क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने की अगर कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने की, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक पढ़ी होगी उससे ही क्वेश्चन होंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 10+2 लेवल की जो SSC का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ पूछी जाती है, मैथ और रीजनिंग, आप कहीं तक अगर आपको कोई बुक मिल सके सोल्यूशन तो आप वो देख लें, उसी स्तर के क्वेश्चन होते हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर में मैथ्स के और रीजनिंग के, तो काफ़ी आसान होती है, या आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश विशेष, ये एक वाणी की बुक आती है, चाहे तो आप उसमें दो बुक आती हैं उत्तर प्रदेश विशेष में, एक संक्षिप्त होती है और एक समग्र अध्ययन। संक्षिप्त तो आप संक्षिप्त अध्ययन ले लें, वो उतना ही पर्याप्त है, और उसमें उत्तर प्रदेश के जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है, अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है, वो सब आप इम्पॉर्टेंट आप नोट कर लें और उनको रिवाइज करते रहें। एक ही बुक है पतली सी, आप उसको बार 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 रिवाइज करते रहें तो आपकी तैयार हो जाएगी। दूसरा सिटीज़, जो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, उनमें बहुत सारे जो शहर हैं वो किसी न किसी खास चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे पीतल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, कांच के लिए फिरोजाबाद, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं वो कुछ विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में आप जान लें, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला कहाँ लगता है, इस तरीके के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन तो आप उत्तर प्रदेश के पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसे भी इग्नोर करना सही नहीं है, क्योंकि आपको कम समय में इसके लिए बस एक पतली सी बुक तैयार करनी पड़ेगी, उसमें आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अभी जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए तो आपको बहुत सारा पढ़ना होगा, तब जाके आप 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए 10 क्वेश्चन बहुत, कभी कभी 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 12-15 तक पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एवरेज 10 मान के चलें, तो ये आप ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। तो कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। तो ये 140 क्वेश्चन जो पहला पेपर होगा 2 घंटे का उसके लिए है, इसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक मिलेगा, और उसी दिन आपको एक हिंदी का, सामान्य हिंदी का पेपर भी देना पड़ेगा, वो 1 घंटे का पेपर होगा, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे सब, इसमें आपको विलोम शब्द पढ़ने होंगे, 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10 शब्द विलोम शब्द होंगे, आपको बताने होंगे, जैसे अमृत का विलोम होता है विष, ठीक है, तो मतलब इतने आसान नहीं होंगे, थोड़े से टफ होंगे इसके लिए। और वर्तनी, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, कभी कभी स्पेलिंग्स, जैसे आपके सामने उज्जवल लिख दिया जाएगा, 4 तरह से उज्जवल लिख दिया जाएगा, और आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सा सही लिखा है उज्जवल, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आप अच्छे से देख लें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये पूछा जाता है, जैसे बड़े भाई को क्या कहा जाता है, अग्रज, छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज, तो इस तरीके के एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तद्भव एवं तत्सम, ये पूछा जाता है, जैसे कुआं का कूप होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, तद्भव तत्सम 10 शब्द पूछे जाएंगे। उसके बाद विशेष एवं विशेषण, ये भी तैयार कर लें आप, और पर्यायवाची शब्द 10-10 क्वेश्चन, तो ये 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, 1 घंटे का समय होगा। इसके लिए मैंने बुक अभी नहीं बताई है आपको, लेकिन आप यहीं पर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो हरदेव वाहरी की एक बुक आती है, अब वो तैयार कर लें, या फिर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक तैयार कर लें, पढ़ डालें पूरा, उसमें ये सारा सिलेबस मिल जाएगा, कोई भी एक बुक पढ़ लें, चाहे हरदेव वारी की काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा शब्द दिए गए हैं, मैंने पास है, पढ़ी है मैंने, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लें, या फिर आप लूसेंट की बुक ले लें, कोई एक बुक ले लें, और उसमें उसे आपका पूरा लगभग तैयार हो जाएगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें, सामान्य हिंदी में जो 60 क्वेश्चन, ये 60 नंबर की जो आती है, इसमें से चूँकि यूपी बोर्ड के बहुत ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं जो हिंदी माध्यम से होंगे, वो लोग तो करीब करीब 60 क्वेश्चन सही करके आते हैं, कुछ लोग 55 सही करके आते हैं, और 50+ तो लगभग सभी के हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान भी होते हैं। तो क्वेश्चन कोशिश करें कि आपका ये पोर्शन, इसमें आप फाइट मतलब आगे रहें, 50+ आप स्कोर अपना तय करके रखें कि इतना तो करके आना ही है। पिछली बार हिंदी का बहुत टफ पेपर पूछा गया था जो समीक्षा अधिकारी में, इसी एग्ज़ाम के लिए पिछली बार वाला काफ़ी टफ था, तो उसमें तो इतना नहीं हो पाया था, लेकिन आप कोशिश करें कि ये ज़्यादातर सही हो जाए। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो 140 क्वेश्चन होंगे, इसमें आप कोशिश करें कि 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो अगर आप 150 आपका स्कोर होता है टोटल 200 में, तो मैं कहूँगा कि आपकी सिलेक्शन निश्चित है,
आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में एक जीएस का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, इसी तरीके से होगा, यही सब सिलेबस होगा जो प्री के लिए है। 120 क्वेश्चन होंगे उसमें। मैं आपको मेंस का सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा बाद में उसमें, ठीक है। सामान्य हिंदी का पेपर होगा, निबंध, तो ये सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ प्री के लिए आप तैयारी कर लें अच्छे तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप तक सिलेबस पहुँचाना, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ इसलिए मैंने आप तक पहुँचा दिया है। आप इसे नोट करके अपनी दीवार पर, अपनी स्टडी टेबल पर लगा लें और अच्छे से तैयारी करें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।